हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं एबीसी ऑफ ऑर्गेनिक गार्डनिंग। फ्रेंड्स देखिए कितनी सारी मिर्च फली हुई हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बिल्कुल भी मुझे बाज़ार से मिर्च नहीं ख़रीदना है और ये मेरे घर की मिर्चों से मैंने पौधे लगाए हुए हैं और अभी लबालब जो हैं 3-4 पौधे लगाए हुए हैं ये छत पर। अभी मौसम की वजह से, धूप और छांव की वजह से बहुत इसमें थोड़ी पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी सी पीली हो गई हैं। बाकी ये पौधे देखिए कितनी सारी मिर्च फली हुई हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, गुच्छे में फली हुई हैं ये देखिए। तो आप भी अपने घर में मिर्च के पौधे, घर में रखी हुई लाल मिर्च जो हम लेकर आते हैं सूखी वाली मसाले के लिए, उस मिर्च से जो है आप पौधे लगा सकते हैं। ये मैंने उसी से लगाए हैं, अभी बहुत सारे मिर्च मेरे यहाँ फल रही हैं। और इसमें साधारण मैंने मिट्टी लिया, आधी मिट्टी है और आधी खाद, गोबर की खाद यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं तो अपने यहाँ पत्तियाँ जो गिरती हैं उसकी खाद मैं ले लेती हूँ। और ये सबसे अच्छा मौसम, और इस समय की जो मिर्च होती है काफ़ी तीखी होती हैं। तो इसमें खाद मैं किस तरीके से डालती हूँ मैं आपको बता दूँ, इन्हें हर महीने खाद चाहिए। तो ये देखिए, ये किचन वेस्ट एक पुराना सा गमला मैंने रूट्स के पास रख लिया है और इसमें पूरा किचन वेस्ट डालती हूँ। अब मुझे ये पूरा जो महीने में एक बार डालना होता है, और ये देखिए अभी पूरा धीरे धीरे करके पूरा वेस्ट जो है वो नीचे बैठ जाता है अपने आप, और मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। और हफ्ते में एक बार जब हम पानी लगाते हैं इसमें तो 2-3 दिनों में पानी लगाते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार जब पानी लगाते हैं तो इसमें से हफ्ते में एक बार से डाल देते हैं, तो उसमें खाद वाला पानी जो है वो रूट्स इजीली ले लेती है। और जहाँ पर ये रखे हुए हैं वहाँ की रूट्स, ये तो निकल नहीं रहा, मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा। ये देखिए इसमें भी मैंने यही जुगाड़ कर रखा है, और ये तो मैं तोड़ रही थी मिर्च, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से तो शेयर कर लूँ ज़रा। ये देखिए ये भी इसमें भी मैंने यही कर रखा है। ये पुराना जो हम मिठाई वगैरह खरीद के लेकर आते हैं, छेने की मिठाई या मैगी वगैरह, उसके कप्स को भी आप लगा सकते हैं ऐसे। और ये देखिए जहाँ ये होते हैं उसके नीचे यहाँ पे केचुए रहते हैं, ये आप देख रहे होंगे, और ये केचुए जो हैं ये पूरी खाद जो है ये पौधे को उसकी रूट्स तक पहुंचा देते हैं इस तरीके से। बस इसको कवर करके रखिए, इस तरीके से कवर कर दीजिए ताकि कोई जानवर जो है वो उसे निकाल कर ख़राब ना कर दे। और बस पाइए ढेर सारी मिर्च अपने घर में, ये देखिए लबालब ये ढेर सारी मिर्च लगी हुई है, ये देखिए बंच के बंच है, तो फ्रेश मिर्च है। बस जब ज़रूरत है तब तोड़िए और अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।